नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर। क्या बुलडोजर के बहाने देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और पहली दुकान रमन झा नाम के व्यक्ति की तोड़ी गई, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि एक धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रायोजित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक और बड़े नेता अमनतुल्ला खान ने कहा कि एक खास समुदाय को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा, यहां तक कह दिया कि हर जगह अवैध निर्माण है लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यानी सभी पार्टीज का एक ही बात थी, मुसलमान और मुसलमान, जिस पर कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दिल्ली में दोनों समुदायों पर कार्रवाई हुई है जनाब। और मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है उसका सच आज सबके लिए जानना, आप सबके लिए भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खरगोन में जिन लोगों पर एक्शन हुआ उनमें से 88 हिंदू हैं और 26 मुसलमान हैं। ऐसा खुद सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लेकिन इसी जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल पर्यटन यानी पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। मुसलमानों को प्रताड़ित बताने की सियासी होड़ सी मच गई है। लेकिन आज इस एजेंडे को हम पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी को वोट बैंक का नया अड्डा बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस, बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी। पत्थरबाजी के बाद ऑपरेशन बुलडोजर। और फिर शुरू हुआ इन पत्थरबाजों को दबे कुचले बेचारे बताने का सिलसिला। बात यहीं तक नहीं रुकी, इन उपद्रवियों को प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का दर्जा भी दे दिया गया। आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है, हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, भारत के संवैधानिक मूल्यों को ढहाया गया है, जानबूझकर गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो जिक्र किया गया, अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। इस बीच जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल टूर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां जाने की कोशिश की, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाना चाहता था लेकिन इन सभी को रोक दिया गया। सवाल है कि अपराधियों को धर्म वाला कवर फायर क्यों दिया जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई को एक चश्मे से क्यों परखा जा रहा है, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। तो आज की चर्चा इसी पर है कि बुलडोजर का एक्शन और मजहबी कनेक्शन क्यों इसमें ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद है शोहेब जमई, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं और डॉक्टर भी हैं। आपका अभिनंदन है डॉक्टर शोहेब जमई। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता, अभिनंदन है आपका भी। मेरे साथ
मुकेश शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ ऋतुराज झा है विधायक है आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सूरतपाल सिंह अम्मू है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है और अध्यक्ष है करणी सेना के। तो सारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां और जोरदार अभिनंदन।